वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। सो गाइस, डिफेंस जॉब्स के अंतर्गत CISF के अंदर 2019 की सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और इसी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा, उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में आगे आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें डिपार्टमेंटल नेम की, तो आप लोगों ने देखा CISF के अंदर सीधा रिक्रूटमेंट है 2019 का। और उसके बाद बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि क्या होने वाली है योग्यता, तो आपको बता दें कि इसमें जो भी कैंडिडेट्स 10वीं पास हैं, अपना 10th कंप्लीट कर रखा है, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि क्या परसेंटेज रिक्रूटमेंट है, तो इसमें केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी कि अगर आपने 33% से पास किया हुआ 10वीं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद इस वैकेंसीज में जो है तो सरकार की एक अलग रणनीति है, पता नहीं उन्होंने क्यों कहा है कि इसमें जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है, अगर वो है आपके पास तो आप लोग जो है तो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे नौकरी लगने की। अभी हम लोग अंदर चलेंगे, नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, तब एक एक चीज़ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नोटिफिकेशन पर। सो गाइज, आ चुके हैं अपने पेज पर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं CISF कॉन्स्टेबल की सीधी भर्ती है 2019 के लिए, और इसमें जो है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक थंबनेल भी अपलोड किया गया है, CISF सीधी भर्ती 2019, योग्यता 10वीं पास, फ़ोन नंबर वो ईमेल आईडी होनी चाहिए तो नौकरी लग जाओगी। तो इसमें जो है तो यहाँ पे बताया गया है कि आज मैं आपको CISF में सीधी भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, जो केंद्र सरकार के द्वारा सीधी भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में भारत के सभी अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि ऑल इंडियन एलिजिबल होंगे जो मेल हैं कैंडिडेट वो इसके लिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट का नोटिस लगभग एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर 10 से 16 फरवरी वाले में जारी किया गया था, और इसमें जो है तो यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि आपका CISF का फुल फॉर्म है, और कॉन्स्टेबल ड्राइवर की इसमें पोस्ट रहने वाली है। तो इसमें देख लेते हैं फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो सबसे पहले इस भर्ती में आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें रिटर्न टेस्ट होगा, और रिटर्न टेस्ट का नंबर 1 पॉइंट है OMR, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका ऑनलाइन। और उसमें जो है तो आपका बताया गया है कि जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एनालिटिक्स एप्टीट्यूड, एंड यहाँ पर बात करी गई है एबिलिटी और टू ऑब्जर्व, एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अगर सिलेबस चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं A to Z सिलेबस के बारे में एक वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोग ये चीज़ नोटिस करिएगा कि टोटल जो आपका सिलेबस है वो 10th स्टैंडर्ड से होने वाला है, यानी कि 10वीं लेवल का होगा। और उसमें जो थर्ड नंबर पॉइंट है, इसमें आपको बताया गया है कि 100 नंबर का होगा और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटे का 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन और आपका टोटल जो टाइम वो 2 घंटे का रहेगा। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करी गई, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए 35 नंबर चाहिए और एस टी एस सी ओ बी सी वालों के लिए 33 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाला है, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेज होगा जो भी इनका PET मेडिकल वगैरह, तो आपका जो है तो उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से ही बता दिया गया है। बाकी चीज़ें आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सैलरी कितनी मिलेगी तो आप लोग देख सकते हैं, इस भर्ती में आपको जो सैलरी वो 24,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी, तो 70,000 रुपये तक मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर PET के बारे में डिस्कस किया गया है, जो ड्राइविंग वाले के लिए फिल करेंगे उनके लिए भी ये टेस्ट होगा नॉर्मली से, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बात करी गई कि पोस्ट कितनी है, तो इस भर्ती में पोस्ट केवल आपको 300 प्लस ही है, लेकिन सारी की सारी दमदार है, इनकी पूरी डिटेल्स नीचे देखिए। तो आपको 300 प्लस पोस्टें मिलने वाली है, यहाँ पे आपको हाइट बार टेस्ट यानी कि हाइट का टेस्ट भी होगा, और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में अगर आपको चाहिए तो मेडिकल के लिए कमेंट कर दीजिएगा, पहले तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो पहले इसमें आपकी एग्ज़ाम होगी, उसके बाद
फिजिकल होगा, देन मेडिकल होगा, फिर आपकी ट्रेड टेस्ट होगी, जाने वालों को टेस्ट ट्रेड टेस्ट और कांस्टेबल में जाने वालों को टाइपिंग टेस्ट देना होगा। अगर आप लोग ड्राइविंग के लिए फिल करेंगे तो आपको ड्राइविंग टेस्ट होगा, और अगर आप लोग कांस्टेबल के लिए तो आपका नॉर्मली सा टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी पीईटी के लिए आप लोग देख सकते हैं 800 मीटर की रनिंग होगी इन 3 मिनट 15 सेकंड में, उसके बाद लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का 3 चांसेस मिलेंगे, हाई जंप होगा 3 फीट 6 इंचेस का, इसके लिए भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। और बाकी जो कंडीशन है वो देख लीजिएगा। और यहाँ पे टेस्ट में पास होने के लिए शर्त यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि ओबीसी के लिए केवल 33% और जनरल वालों के लिए केवल 35% नंबर लाने होंगे इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग जो कहाँ भेजेंगे इसका जो ऑफलाइन है वो सेंड करना होगा आपको फॉर्म भरकर। तो आप लोग देख सकते हैं बिहार है, झारखंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन, दीव, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पांडुचेरी एंड तमिलनाडु, उसके बाद अंडमान निकोबार, आइसलैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए कि आपको एक्चुअल में इस फॉर्म को फिल करके सेंड कहाँ पे करना है, उसके बाद आप लोग सेंड कर दीजिएगा। योग्यता के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार योग्यता क्या मांगी गई है। तो इसमें जो योग्यता है केवल 10वीं पास बोला गया है, और आप लोग यहाँ पर इसका जो पे लेवल है वो भी देख सकते हैं, 21,000 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आपको मिलेगा, जैसे कि पहले ही बता दिया। उम्र की बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं उम्र जो है तो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, और अगर आप लोगों का आरक्षण मिलता है तो 5 से 10 साल की छूट भी मिल जाएगी। उसके बाद हाइट की बात करें तो जनरल और SC ST कैटेगरी, सॉरी जनरल SC OBC कैंडिडेट वालों के लिए 167 और जो आपका रिलैक्सेशन होगा 160 तक वाले अप्लाई कर पाएंगे। चेस्ट की बात करें तो मिनिमम जो है तो जनरल वालों के लिए 80 से लेकर 85 यानी 80 सिंपल सा होना चाहिए 80, और एक्सपेंशन यानी फुलाने के बाद 85 तक होना चाहिए। उसके बाद दौड़ की बात करें तो इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 15 सेकंड में, लंबी कूद 11 फीट का 3 चांस और ऊँची कूद 3.6 फीट का 3 चांस आपको मिलेंगे। और उसके बाद रिटर्न टेस्ट में क्या क्या आएगा उसके लिए बाद में बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे जो है तो टोटल पोस्ट देख सकते हैं, अपनी कैटेगरी वाइज पोस्ट भी यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। और इस पेज पे आपको अप्लाई ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट और साथ में नोटिफिकेशन का मिल जाएगा। तो अगर हम लोग अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है तो ये पेज ओपन हो जाएगा, और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको करना क्या होगा कि अपना रजिस्ट्रेशन अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद सबमिट करना होगा, और सबमिट करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, और उस फॉर्म के अंदर आपकी सभी चीज़ें यानी कि पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। बेसिकली आपका नाम पूछा जाएगा, उसके बाद मदर्स नेम, फादर्स नेम, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और उसमें आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और आप ध्यान रखिएगा कि 10th क्लास का रोल नंबर भी पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है तो बिल्कुल करेक्टली सभी चीज़ें फिल करिएगा एक एक चीज़ें, क्योंकि अगर आप लोग मिस्टेक करते हैं फॉर्म अप्लाई करने के तो हो सकता है कि आपको एडिट का ऑप्शन ना मिले। तो फिर आपको पता होगा कि अगर एक छोटी सी गलती यानी कि एक भी स्पेलिंग का मिस्टेक होता है तो पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दी जाती है, वहां से आप लोग आउट ऑफ भर्ती हो जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से फिल करिएगा, और अगर मान लीजिए कि फिल करते नहीं आ रहा है, कुछ भी करते नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बेसिकली मैं सब कुछ बता दूंगा। और उसके बाद जो है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड डालिएगा उसको बहुत अच्छे से ध्यान के से संभाल के रखिएगा, और जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे उसको निकलवाने के बाद अपने अपने हेडक्वार्टर्स में, जैसे कि मैंने अभी बताया था पीछे साइड एड्रेस से, तो आप लोग जो है तो अपने अपने हेडक्वार्टर्स में उसको सबमिट कर दीजिएगा, और सबमिट करने के बाद जब आगे सबकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो आपको भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग यहां पे देख ही सकते हैं कि मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है तो विजिट कर रहा हूँ, और यहाँ पर सिंपली जो है तो अप्लाई पार्ट का ऑप्शन मुझे मिल रहा है, और यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर और आई डी फॉरगेट यानी कि भूल गए हैं उसका भी, लेकिन हम लोग बैक करते
करते हैं और अपने उसी पेज पे आ जाते हैं जहाँ से अभी गए थे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग जो है तो एक्स्ट्रा एज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिंपली उसका एक डॉक्यूमेंट जो होता है छूट का, रिलैक्सेशन का, उसको भी आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मैक्सिमम है वो 45 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग छूट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको एक सिंपली सा डॉक्यूमेंट भी अटैच करना होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।